वैसे तो बुंदेलखंड में मंदिरों की भरमार है, सभी मंदिरों की उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि आपने आज तक देवी देवताओं के मंदिर ही देखे होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के झांसी जिले में एक ऐसा अजीबोगरीब मंदिर है जहां किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक कुतिया की पूजा होती है। गांव का हर शख्स यहां मत्था जरूर टेकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर को सालों पहले स्थापित किया गया था और आज भी ये मंदिर झांसी में मौजूद है। गांव के लोग यहां रोजाना जल चढ़ाते हैं और कुतिया महारानी को भोग लगाने के बाद उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये नजारा देखकर हो सकता है कुछ पल के लिए आप हैरत में पड़ जाएं, लेकिन जो भी यहाँ पहली बार आता है वो इस मंदिर को देखने के बाद इस मंदिर और कुतिया महारानी की कहानी जरूर सुनना चाहता है। झांसी की मऊरानीपुर तहसील में स्थित कुतिया माता मंदिर के बारे में गांव के लोग बताते हैं कि जिस दो गांव के बीच में जब किसी घर में भी शादी विवाह जैसा कोई कार्यक्रम होता था, ये कुतिया वहां पर खाना खाने पहुंच जाया करती थी। ये कुतिया गांव रेवन और ककवारा के बीच रहती थी। एक बार जब दोनों गांव में एक एक शादियां थी, लेकिन जब रेवन गांव में कार्यक्रम हुआ और कुतिया जब वहां पहुंची तो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद भूख से व्याकुल कुतिया दूसरे गांव पहुंची, लेकिन वहां भी खाना शुरू नहीं हुआ था। भोजन से कुतिया इतनी व्याकुल हो चुकी थी कि उसने बिना देर किए पुनः दूसरे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। इसके बाद जब कुतिया वापस पहले गांव चलते हुए पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लंबा सफर तय करते करते वहां रात हो गई और पंगत में बैठे लोग खाना खत्म करके अपने घर जा चुके थे। इसके बाद कुतिया ने फिर से दूसरे गांव की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वह बीच रास्ते तक ही पहुंची थी तो उसे वहां से भी लोग वापस जाते हुए दिखे। इसके अलावा उसे रमतूले की आवाज सुनी जिसे पहले लोग पंगत समाप्त होने के बाद बजाते थे। इस वजह से कुतिया इतनी निराश हुई कि वह निढाल होकर रास्ते में ही गिर गई और फिर उठ नहीं सकी। कुतिया के भूख से प्राण निकल गए। इसके बाद दोनों गांव के लोगों ने मिलकर कुतिया को दोनों गांवों के बीच सीमा पर दफन कर एक चबूतरा बना दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने कुतिया की मूर्ति लगवा दी और अब गांव के लोग इस स्थान पर कुतिया महारानी की पूजा करते हैं और कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। आपके पीछे जो मंदिर बना है, किसका मंदिर है और ये कैसे बना है? यह मंदिर ये सतयुग का है, काम था। क्या कहानी है इसकी? ऐसी है कि खाना के पीछे जी अपनी ककवाए में और रीवन में हती पंगत, तो ये रीवन से चली के चलो ककवाए जल्दी हो जाते से निपटियां से फेते खाना खाएंगे, तो इधर तक आई वो इधर बजेगा और अब तूला उधर बचेगा ना इधर की है ना उधर की है, तो पाथे की होगी। अच्छा, हाँ पाखान की होगी। इसका मंदिर किसने बनवाया? जी तो ककवाई की रेवन करने जुड़ के बनवाया। तो क्या यहाँ पूजा होती है? हाँ। क्या महत्व है इसकी? इसका महत्व जा है जो कोई उनकी श्रद्धा कहे तो पूर्ण हुत काम उनको। अच्छा, हाँ मतलब जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हुई होती है। पाखान की हुई थी वो कहाँ गई? वो तो फतेह पर राजा ले गए, अब जाके वो जिते गई हुई। हम तो हती ना जब उस समय पे सुनी सुनी कहानी। हम साल पुराना मंदिर है ये, कम से कम तेते हुए वही 8-10 साल को बनवाऊगा। वो भी कैसे पत्थर डले अति थे तो कुतिये के नाम से फिर पूजा का अति ना जला जल है उसका। नहीं, घटना कितने साल पुरानी है? 100-150 साल से ऊपर हुए, चाहे 200 साल हो गई हुए, क्या जो हो गए रामराज का। मैं तो कहानी पुराने आदमी बताऊता है तो भाई कहानी चली जाएगी। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।